आखिरी में नेपाल और चाइना आपस में भिड़ गए। दरअसल नेपाल ने चाइना से 215 मिलियन यूएस डॉलर कर्ज लिया था। जब नेपाल ने अपने पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा का उद्घाटन किया तो चीन ने नेपाल को इसे बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का स्वागत बताते हुए शुभकामनाएं दी, जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नेपाल ने अपने खुद के दम पर बनाया है, इसमें BRI का कोई रोल नहीं है।